सरकार की योजना और सरकारी आदेश दौड़ाने वाले कलेक्टर कार्यालय में आज हमको बचा ले रे बाबा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान भजन जमकर गूंजा। दरअसल कोरोना काल से बेरोजगार हुए कलाकार, संगीतकार, ढोल और बैंड कारोबार से जुड़े लोग हर तरफ अनलॉक होने, सिर्फ कलाकारों और धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन होने से त्रस्त थे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे इन कलाकारों ने बैंड, ढोल, संगीत कलाकार एसोसिएशन तथा रतलाम जिला दमामी समाज के बैनर तले प्रदर्शन किया। इसी दौरान कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट भोजन अवकाश पर जाने लगे तो कलाकारों ने उन्हें घेर लिया। अपने वाहन में बैठे बैठे कलेक्टर ने सुना और चले गए। बाद में नायब तहसीलदार कुमारी पूजा ने ज्ञापन लिया। कलाकार मनोज गंधर्व ने बताया, नवरात्रि में 100 लोगों की जगह 500 लोगों की परमिशन की मांग की है। अब तक ब्याज से पैसा लेकर दिन गुजारे, लेकिन अब कोई पैसा भी नहीं देता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण सप्ताह के तहत शहर में कुपोषण बच्चों की खोज की जा रही है। धीरज शाह नगर और ईश्वर नगर क्षेत्र के करीब 12 बच्चे कुपोषित मिले हैं। इन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाकर वजन किया गया और परिजनों को बच्चों को पोषण आहार देने की सलाह दी गई। विभाग इन बच्चों के उपचार की व्यवस्था भी करेगा जिससे ये स्वस्थ हो सके। परिवेशक एहतशाम अंसारी ने एएन टाइम्स को बताया, ये ईश्वर नगर और धीरज शाह नगर के बच्चे हैं। उनको मार्च महीने से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। पलायन से जो परिवार मजदूर वर्ग के और वो लौटे हैं, तो उन बच्चों का वजन और उम्र के हिसाब से वजन कम था, तो इन बच्चों का आज फिर हम लोगों ने सत्यापन किया है वजन का। तो खास फर्क नहीं पड़ा है और इनके अभिभावकों को ये समझाइश दी जा रही है कि अभी फिलहाल इनको घर पर आप किस तरह से पौष्टिक सत्व या ये जो बच्चे खा सकते पचा सकते आसानी से, वो चीज़ें आप इनको खिलाएं और जल्दी से ही इनको NRC में भर्ती कराने के लिए तैयार होंगे। तो आप जैसे बता रहे हैं आप 12 बच्चे हैं, तो अभी जैसे आपने एक बच्चे की हाइट वगैरह लेती, मैम उसमें लगभग 5 साल का बच्चा है वो, तो उसकी क्या कंडीशन होनी है? वो गोल चार्ट के हिसाब से और हमारा जो चार्ट है वजन का उसके हिसाब से 4SD में आ रहा है बच्चा, 3SD 4SD में, तो वो NRC में भर्ती करानी होगी बच्चा है। और इसके परिवार को तैयार करना, चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो अभी लोग हॉस्पिटल जाने से कतरा रहे हैं, तो ऐसे में इनको वहाँ तक ले जाना बड़ी मुश्किल की बात है। तो पोषण माह के तहत इन सभी बच्चों के अभी माताओं को बुलाया है और इनको घर पर ही इन बच्चों को किस तरह से पौष्टिक भोजन खिला सकते हैं या किस तरह से इनको कुपोषण दूर करने के लिए पौष्टिक सत्व खिला सकते हैं, वो सारी समझाइश दी। रतलाम पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी करने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग दौरान 3 आरोपियों को 5 अवैध देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ये देशी कट्टे बड़वानी से लेकर मंदसौर जा रहे थे। SP गौरव तिवारी ने जिले में सक्रिय संगठित गिरोह तथा तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिलपांग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 12 सितंबर को एक इको कार में 3 व्यक्तियों के पास अवैध हथियार है। सूचना पर बिलपांग पुलिस द्वारा महू नीमच हाईवे चिकलिया टोल पर इको कार क्रमांक RJ27CJ1743 को रोक कर चेकिंग की गई, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को कार में बैठे लोगों के पास से 12 बोर के कुल 5 कट्टे व 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी से बरामद कट्टे व कारतूस संबंध में कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने 5 कट्टों के साथ रवि पिता सुधीर पाटीदार, कुणाल पाटीदार, राजू पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी रवि पिता सुधीर पाटीदार निवासी अलावदा खेड़ी के मंदसौर जिले के थाने में धारा 307 25-27 आर्म्स एक्ट तथा आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जब्त 2 बोर के 5 कट्टे 10 जिंदा कारतूस के संबंध में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पलसूद के राजा उर्फ तनमान सिंह चावला से लेना बताया है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूलना सबसे बड़ी गलती बनती नजर आ रही है।
रविवार को एक तरफ स्वैच्छिक लॉकडाउन की बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रविवार को पिकनिक स्पॉट पर मौज मस्ती के लिए पहुंचने वाले लोग अपने मनोरंजन के साथ कोरोना वायरस को भी परोस रहे हैं। रविवार को सैकड़ों लोग जामड़ पाटली और कनेरी डैम पहुंचे, जहां पानी मठ खेलिया कर दुर्घटना के साथ ही कोरोना के खतरों को परोसा गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन स्थानों पर कोई सुरक्षा कर्मियों के जिम्मेदारों ने जरूरत ही नहीं समझी। मनोरंजन का केंद्र बने कनेरी डैम में शेरानीपुरा निवासी यासीन खान पिता रसीद खान नामक युवक का पैर फिसलने से डूब गया। खोज करने पर भी वह नहीं मिला। सोमवार को होमगार्ड्स ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो युवक का शव खोजने में सफलता मिल गई। शव जिला अस्पताल भेजकर पीएम के बाद परिजनों को सौंपा गया। परिजन ने बताया, क्या नाम है आपका? सईद खान। उसका बालक का नाम? बालक बालक या यासीन खान नाम था सर। क्या हुआ? घूमने गया था कनेरी डैम पे, तो पता नहीं कैसे पैर वेर फिसल गया उसका, तो पानी में डूब गया। कल की बात है ये, साढ़े तीन बजे की बात है कल की। हमने ढूंढा नहीं मिला, वहाँ की सुबह गोताखोरों ने उसको वहाँ से ढूंढ के निकाला। लाश हमारे हाथ में दे दी है, उन्होंने सौंप दी हमको डेड बॉडी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि यासीन पिता अब्दुल रशीद खान पठान, उम्र 20 साल निवासी नया शेरानपुरा रहा हूँ। मैं कल अपने दोस्तों के साथ कनेरी डैम में घूमने गए थे। ढाई से ढाई बजे के आसपास अचानक नहीं मिले इनके दोस्तों को, तो कल से तलाश की रात को गुमसुम कायम हुई थाने। आज सुबह से हम लोग तलाश करते हैं। SDRF की टीम, जिसमें राजू कमांडर श्री मंत्रिमंडल साहब, हम हमारे पुलिस जवान सभी लोग उसमें तलाश कर रहे थे। उसी डैम के झरने के नीचे गहरा पानी है गड्ढा, उसमें डेड बॉडी मिली है 11:30 बजे। मतदान की जाँच में जीवन कराया गया। रतलाम के जावरा में अवैध कॉलोनियां काटने वाले रसूखदारों पर पुलिस ने 10 FIR दर्ज की है, जिससे जिले के कॉलोनियाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दसेड़ा सहित 6 कॉलोनियाइजरों पर ये 10 मामले दर्ज किए हैं। आरोप है कि इन रसूखदारों ने अवैध और अविकसित कॉलोनियां काट कर जनता को सैकड़ों प्लाट बेच दिए। इन कॉलोनियों में न तो जरूरी सुविधाएं दी गई, न ही विकास कार्य किए गए, जिसकी शिकायत रहवासियों ने जावरा SDM को की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जावरा SDM ने एक जांच टीम का गठन किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में अवैध और अविकसित कॉलोनियां काटकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने की बात सामने आई है। जावरा CMO की शिकायत पर यह मामले दर्ज किए गए हैं। रतलाम जिले में जनता से धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनियाइजरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है, जिससे जिले में अवैध कॉलोनियां काटने वाले रसूखदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जावरा CSP PS राणावत ने बताया, ये इनकी जांच SDM जो है यहाँ पर SDM जावरा, इनके द्वारा अवैध कॉलोनी की शिकायत की थी कुछ लोगों ने, जनता के लोगों ने, उसके आधार पर इनकी जांच की एक कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी में नगर पालिका कुछ लोग थे जिन्होंने जांच की थी। उस जांच में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, जैसे कॉलोनीधर का लाइसेंस नहीं है, टैक्स जमा नहीं किया, TNCP नहीं करवाई, विकास शुल्क नहीं लिया, इस प्रकार से बहुत सारी अनियमितताएं थी। जब वो रिपोर्ट प्राप्त हुई तो हमें प्रशासक जावरा नगर पालिका का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर हमने कल 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। एक प्रकरण हमने शहर जावरा में पंजीबद्ध किया है और 9 प्रकरण हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जावरा में पंजीबद्ध किए हैं। और हमने इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जो तथाकथित रूप से इस कॉलोनी के काटने में जिनकी जिम्मेदारी ली। किन धाराओं प्रकरण दर्ज हुआ है? ये हमने 339 नगर पालिका अधिनियम और 420 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया।